आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना, जैसे अब तक आपकी कृपा रही है आगे भी बनाए रखना। जय हो देवी माँ की। कल ही कलेक्शन हुआ है, ये ले लो पैसा। धन्यवाद भैया। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं वो काम करके आता हूँ। ठीक है, ठीक है। हमारे मालिक महीने में एक दिन कहाँ जाते हैं, ऐसा क्या काम याद आता है? तुम्हें क्या करना है, अपना काम करो। मुझे क्या करना है? अरे भाव रे। तो क्या तुम भी पियोगे? ये कोई पीने की उम्र है? ए, उम्र की बात मत करना, बोतल तो चुटकी में खत्म करता हूँ। अभी तू देखना, दे इधर दे। हाँ हाँ दिखाओ।
में मेरे जैसा कोई नहीं, पूरा गांव मेरे कहने से ही चलता है। देख मुझे नहीं जड़ती, तू तेरा देख। मुझे चैलेंज छोड़ दे बटल मेरे संग झूमे यार, मिल के नाचे गाए संग झूमे यार, जो देखे तेरे नैन तो झूम उठे हम, बस में नहीं तेरे सुर ताल होने मन, ओ सुर ताल छेड़ो मैंने पीने का मौसम, आओ आओ झूमे नाचे हम संग संग, तुम भी नाच दो सनम, आओ झूमे नाचे हम बुरे, हमको लगे भले फिर भी पिएंगे हम, चाहे जान भी जाए ये जान है प्यारे, दारू नहीं बुरे घर बिना है तो भी लो तो घुट मेरी जान, तुम क्या जानो पीने में है क्या मजा, छोड़ दे कोई से तो है सजा, हना पीने वाले नहीं होते झूठे, चाहे सच बोले तो ये जग रूठ है, झूमे यार मिल के नाचे गाए संग झूमे यार, कितने पीते हो तुम लोग? जब हजम नहीं होता तो इतना पीते क्यों हो? कब से ढूंढ रही हूँ इसको, कहाँ मर गया ये, एक बार मिल जाए फिर बताती हूँ उसको, मिलने तो दो। अरे विश्वा, मुखिया जी को देखा क्या? जी को? अरे कब से ढूंढ रही हूँ, सब जगह देख लिया, नहीं गांव के बाहर कहाँ जाएंगे, मुखिया है गांव के, मुखिया होंगे गांव के, लेकिन घर पे बता के जाना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे, समझ में नहीं आता, मिले तो बताना। ठीक है, एक जगह और बची है जहाँ से पता लग सकता है। कस्तूरी, ए कस्तूरी, तेरे चाचा को देखा क्या? चाचा को क्या, मैंने अपने पल्लू से बांध के रखा है। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो? तो क्या करूँ, चाचा जी को तुमने जरूर कुछ कहा होगा इसलिए तो वो भाग गए। कोई नहीं, कभी तो घर आएंगे फिर बताते उसको, आने तो दे, भाग कर जाएगा कहाँ। पर आखिर चाचा जी कहाँ गए होंगे, उन्हें जाके बताती हूँ। अरे
चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, क्या है चाचा जी? अरे तुम भी आ गए, अपने हाथ में रह रहा, हाथ नहीं लगाना मुझे, इधर हट। अभी तो मैं जवान। अरे चाचा जी, कपड़े तो ठीक से पहन लो। क्या कहा? तुम यहाँ क्यों आई? ये क्या है चाचा जी, ये क्या हाल बना रखा है? इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है? ये क्या बोल रही हो? पूरे गांव में मुझसे कोई नहीं, अगर मैं थोड़ी सी पी ली तो कौन सा पार टूट पड़ा है? थोड़ा सा पिया है, सुबह से आपके सर पे काल मंडरा रहा है। जरा चाची के बारे में सोचिए। चाची, ओ कान खोल के सुनो, आज के बाद मुझे बिना बताए कहीं गए ना, या घर में दारू पी के आए ना, छोड़ूंगी नहीं, समझ में आया? माधव, है माधव? अरे राजू, है? माधव घर पे नहीं है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे किसी की धुलाई करनी है, बुलाओ उसे। क्या पूरे गांव का ठेका ले रखा है? मुझे छोड़ दो। पैसे मांगने का बड़ा शौक है ना तुझको? घर की चौखट पे पैसे लेने बार बार आएगा? नहीं, नहीं, अब मैं देख रहा हूँ कैसे आता है। अगली बार तुझको जान से मार दूंगा मैं, समझ में आया तुझको? चुप क्यों है तू? बोल, मांगेगा? नहीं नहीं, नहीं। कस्तूरी के चाचा ने इसे कस्तूरी का फ्रेंड बना के मिलवाया है, इसमें इसकी क्या गलती है? इसे क्यों मार रहे हो? अगर ये कस्तूरी का फ्रेंड नहीं है तो कस्तूरी के चाचा से जाके पूछो ये माजरा क्या है। तुम जाओ यहाँ से भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, या तो कस्तूरी से ही जाके पूछ लो। जाओ। आखिर ये सब क्या है? तुम यही सब करने यहाँ आते हो क्या? क्लास में बैठ के ऐसी हरकतें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? यही सब करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे? इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कहाँ से सीखा? गेट आउट, आउट। ए, पढ़ाई पे ध्यान दो तुम सब। कादिर, ये तूने क्या किया? ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जो किया कुछ गलत नहीं था, मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ, मुझे जो पसंद आता है उसे किसी भी हालत में हासिल किए बिना चैन से नहीं बैठता, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद को पार करना पड़े, समझ में आया? कस्तूरी, अरे ओ कस्तूरी, नहा लिया? तुम्हें मंदिर जाना है ना? हाँ माँ, बस जा रही हूँ। माधव,
कहीं बाहर जा रही हो? मैं मंदिर जा रही हूँ। आओ बैठो, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। माधव तुम भी चलो ना। तुम चलो, मैं आता हूँ। माधव, माधव जरा सुनो तो। नमस्कार, और सब ठीक है ना? माता की कृपा है और तुम्हारी दुआ से सब ठीक है। मेरे काम का क्या हुआ? ओ हाँ, हाँ हो जाएगा, जरा देखना। मैंने बोला था ना, कॉलेज में कॉरेस्पॉन्डेंस का एडमिशन हो जाएगा। अरे चिंता मत करो, मैं कर दूंगा, हम पे भरोसा रखो। जल्दी हो जाएगा तो अच्छा। अरे मैं कर दूंगा, कहा ना तुमको, चिंता ना करो, मैं कर दूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। माधव, कैसी जरूरी बात थी कि दर्शन करने भी नहीं आए तुम? नहीं कस्तूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मैंने कभी मदद की थी, इसलिए वो धन्यवाद करने आया था मुझे। हाँ हाँ, जैसे पूरे गांव का ठेका तुमने ही ले रखा है। अरे गांव में कुछ परेशानी होगी तो मुझको ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मुझे करना पड़ता है। ठीक है। मानो तुम्हारे जैसे बड़े दिल वाला हर गांव में होना चाहिए। कैसे हो मोती? अब लगने लगा है कि गांव में डॉक्टर होना ही चाहिए। देखो भाई, डॉक्टर की जरूरत तो गांव में भी है, 10 किलोमीटर दूर दवाखाना है, यहाँ होना हाँ। चाहिए ना। देखो गांव हाँ, में कब हाँ। डॉक्टर आते हैं, जाने हमारा भाग्य कब। साबुन की टिक्की देना। क्या रे सिल्वा, तूने लड़का देखने के लिए बोला था, उसके बाद तूने कोई बात ही नहीं बताई, क्या हुआ भला? क्या हुआ बोलो? कैसे आदमी हो तुम? मैंने कस्तूरी के लिए कितने अच्छे रिश्ते देखे थे, लेकिन तुम ऐसे भाई हो कि उसकी चिंता ही नहीं हाँ, करते हो। बात करनी तो थी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, पर घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए बात आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई, मुझसे गलती हो गई। तुमको बोलना चाहिए था ना, कुछ उपाय किया जाता, अब रिश्ता ढूंढने में मुश्किल होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भाई, चलता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी आज मैं हर हाल में जीत के ही रहूंगा, देख लेना तुम लोग। मैं ऐसे पासे फेंकूंगा, देख सिर्फ जीत मेरी ही होगी। डाल डाल, ये लो। ये लो मेरा दाव। ए कादिर, मैंने सुना तूने कॉलेज में कुछ किया। हाँ तो क्या तुझे पूरी बात बताऊं? तू खेल, ए तुझे क्या करना है, वो कुछ भी करे। कादिर तुम जाओ, जाने दो उसको रे। हाँ हाँ जा। तुम लोग को पता नहीं है उसने कॉलेज में क्या किया? कॉलेज की लड़कियाँ तो ठीक थी, इसने टीचर को भी नहीं छोड़ा। क्या ऐसा किया? हारे भाई, इसने टीचर की गंदी तस्वीर बनाई थी, मैडम ने जब चेक किया तो ये पकड़ा गया और पूरे क्लास में इसकी बदनामी हुई, फिर टीचर ने इसको भगा दिया। कस्तूरी, ए कस्तूरी। हाँ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? कॉलेज की बात छोड़ दो, तुम ऊपर क्या कर रही थी? दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हें इस उम्र में अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना? वैसे मैं ऊपर से मटका उतार रही थी, बहुत ऊंचा है, उतर ही नहीं रहा। साइड हो जाओ, मैं देखता हूँ। अरे जल्दी उतारो। क्या हुआ? आसानी से नहीं निकलेगा, तुम ऊपर चढ़ो, मैं तुम्हें उठाता हूँ। ठीक है। तुम नहीं होते तो मैं कैसे उतार पाती? चलो बाहर चलो। मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो देखो इसे क्या हुआ, ये बात नहीं कर रहा है। चलो 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 च
हमारे गांव में आजकल आए दिन होता है। इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए हम लोग को। बस अब बहुत हो गया, पूरे गांव को मिलकर इस बार हमें फैसला लेना ही होगा। कोई बीमार रहता है तो कोई मर जाता है, गांव में सबकी हालत खराब रहती है। रहने दो, इसकी क्या जरूरत है, एक ही तो मौत हुई है गांव में, ऐसा कोई पहाड़ थोड़ी टूट गया। ए बाला, क्या बोल रहा है तू? और क्या? चुप हो जा बिल्कुल। गांव में एक जान जाए या ज्यादा, बात तो एक ही है ना। सही कहा, इसीलिए पंचायत का फैसला सर्वमान्य होगा। इसीलिए कुछ फैसला तो। ए, ज्यादा बहस मत करो, एक एक करके बोलो, उसके बाद फैसला लेते हैं। देखिए, हम लोगों को शहर से कोई डॉक्टर बुला लेना चाहिए अपने गांव में। हाँ मुखिया जी, सबसे पहले शहर से हमें डॉक्टर का इंतजाम करना चाहिए। हर बार गांव से दूर जाके दवा खाने में इलाज कराना नामुमकिन है। बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारे गांव में दवा खाना होना ही चाहिए, इस समस्या का यही इलाज है, समझे आप लोग? हाँ, हमारे गांव में भी दवा खाना होना चाहिए। आप सब सही कह रहे हैं, गांव में डॉक्टर होना चाहिए, इतने किलोमीटर इलाज कराने कौन जाएगा। कलेक्टर साहब से कह के गांव में डॉक्टर बुलाना चाहिए हम लोग। तो ये तय रहा कि सब मिलकर कलेक्टर के पास जाएंगे और उनसे गांव में डॉक्टर लाने की बात करेंगे। अगर लेडी डॉक्टर आ गई तो सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। ए, बकवास बंद कर। जैसे मेरी सारी खुशियां आपकी हैं, वैसे आप सबकी परेशानी मेरी है। लगता है अभी नशा उतरा नहीं है। चुप है, फालतू बातें नहीं करते यहाँ पे। मखिया जी, फालतू लोग फालतू बात करेंगे, और क्या आशा करेंगे इनसे। ये सब बातें बंद करो, तो चल के कलेक्टर से डॉक्टर के लिए बात करते हैं। डॉक्टर को गांव में लाना तो ठीक है, पर उसमें कुछ खर्चा भी आएगा, वो कहां से करेंगे। क्या बात कर रहे हो विश्वा, माना कि डॉक्टर आजकल पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनमें सेवा भाव होता है। हमें ऐसे ही डॉक्टर को गांव में लेके आना। बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, पूरे गांव को बेवकूफ समझ के रखा है क्या। बकवास कर रहे हो, शांत हो जाओ, हो गया, बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे, शांत रहो। तुम सब लोग ध्यान से सुनो, इस गांव में डॉक्टर पक्का आएगा। इसके ऊपर माधव, तुझे और कुछ कहना है? ठीक है, हम सब लोग मिलकर कलेक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर के लिए कहेंगे, अगर पैसों की बात होगी तो हम लोग इंतजाम करके दे देंगे उनको, ठीक है। अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करें, बाकी जो बचेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, सब मिलके खर्च उठाएंगे। सब लोग तैयार है ना? ये सब कहाँ चले? अरे इन सब की ऐसी है, इनसे कुछ नहीं होगा, उनको जैसा हम सब आपके साथ हैं, हम आप जैसा कहेंगे। ए बाला, कल जो मटन दिया था ना, वो ताजा नहीं था। क्या करूं, धंधा ही कुछ ऐसा चल रहा है आजकल, सब्जी कितनी महंगी हो गई है, आगे ऐसा मत देना। ठीक है ठीक है, सब्जी नहीं भी सोना चाहते हो क्या? कस्तूरी, ए कस्तूरी, ए सुन लो, रुक तो सही, रुक ना। देखो, तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मुझसे दूर रहो। क्यों, मुझमें कहीं कांटे लगे हैं क्या? पूरे गांव में तुम सबसे हंस के बात करती हो, सिवाय मेरे। उस दिन पंचायत में तेरे भाई ने मुझसे जैसे बात करी, उसको समझा दो मेरे से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, अगर वो मेरे मुंह लगा तो अच्छा नहीं होगा। सुन लो कान खोल के, अगली बार ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, समझा देना अपने भाई को। तुम धमकी किसे दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम्हें। बड़ा आया, तुमने और तुम्हारे भाई ने पंगे लेने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हें उसको और किसी को नहीं छोड़ूंगा, अपने दिमाग में बात बैठा लेना अच्छे से। ए, चल हट, चलो यहाँ से। जा जा, देख लूंगा तुझे भी। ये लो कस्तूरी, पानी पी लो। तुम्हें नहीं लगता जो कुछ हुआ उस बारे में किसी को बताना चाहिए? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया उसकी धमकियाँ सुन के। मुझे तो लगता है तुम्हें चाचा या माधव को इस बारे में बताना चाहिए। अरे नहीं नहीं, वो तो पागल है, माधव को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उसे पता चला ना तो लड़ाई हो जाएगी। बताओगे तो भी माधव को किसी न किसी तरीके से पता चल ही जाएगा। आओ माधव, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। कुसुरी, बाला ने तुझे कुछ भी बोला तो मुझे बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया मुझको? छोड़ो ना माधव, अब जो होना था वो हो गया ना, तुम्हें तो पता है ना, वो जब भी मिलता है बकवास ही करता है, किसी को कुछ भी बोल देता है। ये देखो, कादिर भी यहाँ आ गया। कैसे हो कादिर? मैंने सुना कस्तूरी के साथ बाला ने कुछ बदतमीजी की तो मैं चला आया। तुम चिंता मत करो, कादिर को ट्यूशन जाना है, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। तुम लोग ध्यान से जाना। सुनो कस्तूरी, आज के बाद तुमको किसी ने कुछ बोला ना, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब गुस्सा थूक दो माधव, जाओ तुम। चलता हूँ। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छी चलनी भी चाहिए।
ये मौका अच्छा मिला है, अभी बताता हूँ। काकी, अरे काकी, अरे काकी मेरी बात तो सुनो। तुमने जो कस्तूरी के साथ बदतमीजी की उसके बाद उनसे बात करने की कोशिश मत करना। आपने सिर्फ कस्तूरी की बात सुनी, मैं तो रिश्ते की बात करना चाह रहा था। चल हट यहाँ से, बड़ा आया रिश्ते की बात करने वाला, इससे तो अच्छा मेरी बेटी घर में बैठी रहे। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा ना हो कि वो किसी और के साथ भाग जाए। बचाओ बचाओ इसको, बचाओ नहीं तो ये बचाओ जाएगा। बचाओ बचाओ जल्दी आओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा आपको किसी से मिलना है क्या? हाँ, मैं मिलने ही आया था किसी से। कोई माधव जी है यहाँ पे? माधव? ओ, तो आप ही हैं, शहर से यहाँ व्यापार करने आए हैं? व्यापार? हेलो, आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर? ओहो, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, अब तो बता दो। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको मिलवाती हूँ। अच्छा, आपने मुझसे कहा कि आप एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर के पास तो स्टेथोस्कोप होता है, वाइट कोट होता है। डॉक्टर होने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी ना कैसी बातें करने लगी, चलिए बस आ गई है। सुनो ना, मुझे माधव नाम के व्यक्ति से भी मिलना है। ओ, उन्होंने अपॉइंटमेंट करवाया। मुझे माधव ने बताया कि आप हमारे गांव में आने वाले हो। हमारे पूरे गांव की देखभाल माधव ही करता है, बहुत अच्छा है वो। चलिए मिलते हैं उसे। ये देखिए, ये माधव का घर है। अच्छा। माधव, माधव। अरे कस्तूरी, कैसी हो? यहाँ कैसे आना हुआ? माधव अंदर नहा रहा है। और ये कौन है? काकी, ऐसा वैसा कुछ मत बोलिए, हमारे गांव वालों के लिए यहाँ आए हैं एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर? ओ, ये वो है क्या? यही मैं समझा रही थी, अब जल्दी से माधव को बुलाइए। माधव? अरे ओ माधव। आया माँ। हाँ, क्या है कस्तूरी? माधव, कौन है ये? ये वही डॉक्टर है जिसके लिए गांव वालों ने अर्जी दी थी। ओ, डॉक्टर अरविंद, स्वागत है जी। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? आप ऐसे भीगे हुए क्यों लग रहे हैं? मैं बताती हूँ, वो क्या है ना माधव, इन्होंने जैसे ही हमारे गांव में कदम रखा ना, नदी में डूबते हुए बच्चे की जान बचाई। ये बहुत ही अच्छे इंसान तो है। पहले आपके रुकने की व्यवस्था करता हूँ। ओके, कस्तूरी इनको अंदर लेके जाओ। ठीक है माधव, आइए। हाँ हाँ, ध्यान से जाना। ये बताओ, ये डॉक्टर क्या हमारे घर में ही रहेगा क्या? कैसी बात करती हूँ माँ, चलो अंदर चलो। ए सिल्वा, जरा यहाँ आना। माँ, क्या हुआ? वसंत का महीना आ गया है, मुझे तो बहुत चिंता सता रही है। चिंता? किस बात की चिंता माँ? बात ये है, घर में जवान कुंवारी बेटी है, गांव वाले बहुत सवाल करते हैं, क्या करूँ? अब तो मुझसे जवाब भी नहीं दिया जाता, मैं कब तक सवालों का जवाब देती रहूँ? माँ, मुझे भी कस्तूरी की शादी की बहुत चिंता है। मुझसे भी लोग सवाल करते हैं कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ, कस्तूरी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, चिंता मत करो। मेरी इतनी चिंता मत करो, माँ ने सब बताया। सुन रहे हो ना, मेरी शादी की चिंता मत करो तुम, मुझे तो आप दोनों के साथ ही रहना है। साथ में जैसे खाना खाते हैं,
हमारे प्यारे प्यारे झगड़े होते हैं, ये सब छोड़ के मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? वसंत ऋतु आ गया है मुझे पता है, और आप लोगों को मेरी शादी की चिंता हो रही है ये भी पता है मुझे, पर शादी जब होनी होगी हो जाएगी। पिता के जाने के बाद भाई के कंधे पे ही जिम्मेदारी होती है। मैंने तुम्हें एक भाई की तरह नहीं, एक पिता की तरह प्यार दिया और करता आया हूँ, करता रहूंगा। तुम्हारी शादी की चिंता होना तो स्वाभाविक बात है, और वो मुझे करना ही है। डॉक्टर जी, गांव कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। नमस्कार चाचा। हाँ हाँ, सच में बहुत अच्छा लगा। गांव की शुद्ध हवा पानी मुझको बहुत अच्छी लगती है। सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, गांव में रहने का यही तो मजा है, शुद्ध हवा पानी और मिलनसार लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? पूछी ना। तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? ऐसे ही मन में आया तो पूछ लिया मैंने। माँ तो बचपन में ही गुजर गई, और मेरे पिताजी भी कुछ साल पहले छोड़कर चले गए। डॉक्टर, अब इस गांव को अपना ही समझो, हम भी तो आपके परिवार है ना, सही कहा ना हमने? बहुत बहुत धन्यवाद। आओ। अरे वाह कस्तूरी, यहाँ कहाँ से आ रही हो? मैं भैया के लिए खाना लेके आई थी। डॉक्टर, ये पूरे गांव की लाडली है कस्तूरी, बच्चों को पढ़ने के लिए कहती है ताकि वो भी अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा सके। सच में? अभी तो आपकी पहचान हुई है, आप भी समझ जाओगे इसको। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। अरे लक्ष्मी, तुमने सुना गांव में जो डॉक्टर आया उसके बारे में? हाँ मैंने भी सुना है, अच्छा हुआ ना गांव में डॉक्टर आ गया, अब किसी के इलाज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, समय पर इलाज ना होने से गांव में कितनों की जान जा चुकी है। शहर से आया है तो अच्छा ही डॉक्टर होगा ना। हाँ बस ये डॉक्टर सबका इलाज अच्छे से करे। ए कमला जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रही हूँ। अच्छा तुम लोगों को एक बात बतानी है, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। उसमें कौन सी नई बात है? मेरे लिए तो ये नई बात है। हाँ और क्या, लड़कियाँ बड़ी नहीं हुई कि परिवार वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। और क्या, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, शादी नहीं हो गई जैसे कोई काम हो गया जो बोझ की तरह उन्हें सताता रहता है, हमारा समाज ही ऐसा है। हम क्या चाहते हैं, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं, बस किसी से भी शादी करा देंगे और पूरा जीवन। अब यही समाज का प्रचलन है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक बार रिश्ता पक्का हो गया उसके बाद मेरी शादी तो तय है, पता नहीं आगे क्या होगा। हमने तो बचपन से यही सीखा है ना कि माँ बाप हमारी शादी तय करेंगे और हमें अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी होगी। ये दवाई 7 दिन लेनी है आपको, दिन में 2 बार, इससे आप ठीक हो जाएंगी। मैंने दवाई दे दी है, चिंता मत करिए। हाँ ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। क्या बात है बताइए। देखो मुझे पता चला तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये दवाई ले लो, उनको खिलाती रहना और उनको आराम करने को कहना, कल चेक करने आ जाऊंगा। ठीक है चलो। शुरू नई जिंदगी।
रही, तेरे मेरे मिलन की ये कहानी हो गई। अब है शुरू नई जिंदगी। कृपा शंकर, सिल्वा आजकल बहुत परेशान रहता है। हमें क्या लेना देना है, हो गई कोई घर की परेशानियाँ, कोई खेती बाड़ी की चिंता? ओ माधव, मैं वो मुथू के घर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझको उससे। ऐसा क्या, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। उसको पैसे उधार दिए थे मैंने, आज वो लौटाने वाला है। क्या माधव, तुम तो हमेशा पैसे लेन देन की बातें करते रहते हो। हाँ तो जैसे तुम पैसे छोड़ ही देते। अरे भाई, तुम्हारे जैसा तो नहीं हूँ ना, तुम तो सिर्फ कस्तूरी और उसके परिवार के लिए खाली रहते हो। क्यों नहीं, प्यार जो है उसके साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा, गलत तो नहीं कहा। प्रॉब्लम है। हाँ ये हुई ना बात, कस्तूरी के बारे में जल्द से जल्द सोच लो। हाँ पैसा तो आता है जाता है, पैसों का लेन देन तो चलता रहेगा। हाँ अब सोचो इस बारे में, कहीं ऐसा ना हो मुथु के चक्कर में कस्तूरी हाथ से निकल जाए, समझे क्या? जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ए कादिर। हाँ कस्तूरी। पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। कादिर पढ़ने आए हो क्या? हाँ भैया। कस्तूरी किधर है? अंदर है। बुलाना तो। हाँ कस्तूरी, तुम्हें भैया बुला रहे हैं। हाँ। माधव तुम यहाँ पे? मैं बाजार जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। क्या पूछ लूँ, किस बारे में? तुम्हें साड़ी लेनी थी ना। ओहो, आपको तो सब याद है, माँ घर पे नहीं है, मैं ताला लगा के आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। चलो माधव। आने में कितनी देर होगी? तुम्हें भी जाना है। हाँ माधव इसे भी ले लो। चला जा। नीचे उतरो। किसलिए? मैं बताता हूँ। दोनों तरफ पैर करके बैठ। हाँ? बैठ। कस्तूरी ये दुकान सबसे अच्छी है, जो भी चाहिए मिल जाएगा। ठीक है माधव। माधव ये कैसी लग रही है? हाँ बहुत अच्छी है, जच रही है। सुंदर लग रही है ना? अच्छी नहीं है। माधव ये कैसी लग रही है? लाजवाब। ये कैसी है? ये भी नहीं। अच्छी नहीं है, छोड़ जाने दो। इन सब में से एक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, मुझे तो और साड़ियाँ देखनी है। बैठ जाओ। बहन जी अच्छी साड़ियाँ दिखाइए ना।
ये साड़ी ये तो बहुत ब्राइट है। पसंद नहीं है? अच्छी नहीं लग तो दूसरी देख लो ना, वो हाँ। ग्रीन भी है। हाँ। वो नीली वाली हाँ। ये कैसी है? ये तो अच्छी लग रही है। जांच रही है? सच में? बहुत अच्छी है, तुम पे अच्छी सच लगेगी। में अच्छी लग रही है ना? अच्छी नहीं है। माधव ये पिंक कलर अच्छी लग रही है ना, ले लूं मैं? बहुत ही सुंदर है। कादिर तुम्हें कैसी लग रही है? इसको क्या पता, तुम इतना सोचो मत। तुम्हें अच्छा लगा ना, ले लो इसको, पैक करवा दीजिए इसको। ठीक है माधव। माधव मैंने अपने लिए साड़ी खरीद ली, अब मुझे तुम्हारे लिए ना शर्ट खरीदनी है। मेरे लिए? ठीक है। दीदी इनके साइज की शर्ट दिखाइए। ये कैसी लग रही है कादिर? मुझसे क्यों पूछ रही हो? पसंद तो मेरी ही होगी। माधव ये तुम्हारे लिए और ये डॉक्टर के लिए। डॉक्टर ने घर पे आके माँ का इलाज किया, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उनके लिए शर्ट खरीदी। ये लो खाना खा लो। कादिर कस्तूरी को तुमसे कुछ काम है, वहाँ चले जाना। ये क्या है बेटा, खाना तो खत्म किया नहीं और उसी में हाथ धो रहे हो? कस्तूरी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करेगा ये लड़का। कहाँ रह गया ये लड़का? ए, जल्दी आओ ना। मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें यहाँ आने में इतना समय लगता है क्या? ऐसा क्या हो गया, काम क्या है? अरे कुछ काम होगा तभी तो बुला रही हूँ ना तुम्हें, समझ में नहीं आता? अच्छा तो डॉक्टर के पास जाना है। ओ हो कितने स्मार्ट हो। चलो चल के देख आते हैं, ये शर्ट उन्हें अच्छी लगेगी। ए कस्तूरी तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछूं क्या? मैं माधव भैया और डॉक्टर तीनों में से कौन पसंद है? देखा सच सच बताना। पहले इसे पकड़ो तुम, माधव की जगह ना यहाँ पे और डॉक्टर यहाँ पे। हाँ और तुम छोटे हो इसलिए तुम ना मेरे दिल में रहते हो। समझ गए ना? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुमने जो कुछ भी पूछा मैंने सब बता दिया, ठीक है ना? ठीक है चलो आप चलते हैं। आओ कस्तूरी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसी है, कैसे आना हुआ? वो कादिर की तबीयत ठीक नहीं मैं है। बिल्कुल ठीक। क्या हुआ इसको? मुझे क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आपने हमारे गांव के लिए इतना कुछ किया है इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? एक छोटा सा तोहफा ही तो है। वाह आपको अच्छी लगी ना? बहुत। आप इसे कल पहनेंगे ना? किसी खास दिन, किसी खास के लिए। हाँ एक मिनट, ये तुम्हारे लिए मैं लाया था। मेरे लिए भी? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। चाचा वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो अभी बहुत छोटा है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ, ये ऐसा लड़का नहीं है। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता।
कभी नहीं। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ ये 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 रहे पैसे। क्या है माधव, कि गांव में कुछ अफवाह फैल रही है। कैसी अफवाह भाई, बोलो ना। मुझे तो बताने में भी अजीब लग रहा है माधव, कैसे बताऊं। मैंने सुना है कि कस्तूरी और डॉक्टर के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। समान समान सोच समझ के बात करना। तुम्हें कस्तूरी के बारे में क्या पता है? मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज के बाद ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भड़कते क्यों भाई, मेरा क्या, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो गाँव में बात चल रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनना, अब से ये बात नहीं होनी चाहिए। देखो माधव, मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। तानिक तो भला करने जाओ। माधव ये तुम्हारे लिए और ये डॉक्टर के लिए। कहाँ चला गया वो? एक आदिर, तुम यहाँ हो? जो वो भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकता, डॉक्टर की इतनी हिम्मत कैसी? ठीक है, ये झुमके अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे, मुझे मत दिखाओ। पहली बार किसी ने मुझे इतना सुंदर तोहफा दिया है। कस्तूरी, बर्तन में सब्जी पड़ी है, ले आना। ये लो माँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे काकी, बैठो बैठो, अपना काम करो। सिल्वा आज घर पे कैसे? बस ऐसे ही। बैठो बैठो, और बताओ तबीयत ठीक है ना? हाँ बस ठीक ही है। बच्चों की पढ़ाई कैसी है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और बताओ। अब मैं क्या बताऊँ, इस बुढ़ापे में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्या कर सकते हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ऐसे क्यों बोल रही हो, अभी तो जीना है आपको। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब मेरी उम्र हो चली है, मुझे तो एक ही बात की चिंता लगी रहती है, माधव की शादी मेरे सामने जल्द से जल्द हो जाए, जो मेरे बेटे को मेरे घर को संभाल सके, और वो सिर्फ तुम ही हो। इतनी सी विनती है सिल्वा। सब ठीक हो जाएगा काकी, चिंता की कोई बात नहीं है, और वो शादी की बात वो भी हो जाएगी काकी। मुझे मालूम है सिल्वा, माँ हूँ ना, चिंता होती है। एक बार शादी हो गई, मेरी चिंताएं खत्म। ठीक, जैसा आप कहें। लक्ष्मी तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मुझे क्या एतराज होगा, आप भी तो कस्तूरी की माँ। तुमने कह दिया और मन को शांति मिल गई। अब मैं चलती हूँ सिल्वा। ठीक है काकी। हाय, किसी की नजर न लगे। अरे क्या हुआ, आज अचानक ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं तुमसे सच कह रही हूँ, और तुम्हें मजाक लग रहा है। अगर तुमने जल्दी से बात नहीं की ना, तो मेरी शादी पक्की हो जाएगी। इतनी जल्दी कैसे कस्तूरी? तुम बस यहाँ बैठ के इंतजार करो, कोई आएगा और शादी करके मुझे ले जाएगा। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुमसे बात कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए, मुझे खुशियाँ मिली, जीने की वजह मिली। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। शादी कोई खेल नहीं है समझी, जिसमें किसी को भी किसी के साथ खूंटे में बांध दिया जाए, समझ में आया? शादी का मतलब दो आत्माओं का मिलन होता है, शादी के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए। क्या तुम्हें माधव के साथ शादी करना जरूरी है? पर मैंने माधव को कभी भी इस नजर से नहीं देखा है। मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई?
करके बड़ा किया था मैंने। मेरी बोल में क्यों करना नहीं हो गई? तू बोल गलत चली, कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बोल। पूरे गांव में बेइज्जती करा दी मेरी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब बोल, कुछ तो बोल। अब उसे क्या कर रही हो? देखने शुरुआ, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये कौन सा तरीका हुआ गुस्सा करने का? ये कहीं घर में मरने क्यों नहीं? कहीं पे जाके मर जा। अरे भगवान, क्या है? मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम ये सब नहीं करोगे, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया बहन। माधव से मेरी शादी पक्की कर दी, एक बार भी पूछा मुझसे। मैं माधव को उस नजर से नहीं देखती हूँ। आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं माधव से शादी नहीं कर सकती भैया। ये क्या कर रही हो कस्तूरी? उठो ना कस्तूरी। चलो अब रोना बंद करो, चलो उठ जाओ। मुझे माफ कर दो माधव, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपने खानदान का नाम बदनाम किया। मुझे माफ कर दो। मेरी बात तो सुनो कस्तूरी। काकी, कस्तूरी ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये जिसमें खुश है मैं भी उसी में खुश हूँ। अगर ये डॉक्टर से प्यार करती है तो इसमें गलती क्या है? करने दो ना, मैं इसका साथ दूंगा। कोई शुभ मुहूर्त देख के कस्तूरी और उस डॉक्टर की मैं खुद ही शादी कर। तुमसे मिलने को चली, देखो कैसी मैं खिली। जाने जाना के साथ अगर होती। छोड़ो ये सब, सबसे अच्छी बात है कि हमारी बेटी खुश है डॉक्टर के साथ। बाकी कुछ मत सोचो। ये तो कस्तूरी की आवाज है। माँ, क्या बात है कस्तूरी? ये देखो ना क्या हुआ है माँ। पता नहीं क्या बात है। चलो देखते हैं। कस्तूरी, क्या हुआ तुम्हें? बोल बेटा क्या हुआ, बता तो सही, कुछ बोल तो बेटा। सब ठीक तो है? ये अरविंद को क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हे भगवान, कुछ हो तो नहीं गया इसे? क्या हुआ?
भगवान, डॉक्टर बाबू नहीं रहे। भगवान, कस्तूरी की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब इसका क्या होगा? अरे भगवान, पहले क्या कर दिया? मेरी बेटी। हेलो अपने आप को लक्ष्मी। क्या हो गया भगवान? अब मेरी बेटी का क्या होगा? उससे पहले काश भगवान मुझे उठा लेता। माधव, बाहर पुलिस आई है। सर ये है माधव। नमस्कार सर, मैं माधव। क्या बात है, यहाँ कैसे आना हुआ? डॉक्टर अरविंद के डेथ के बारे में पूछताछ करने। अरविंद की मौत हो गई और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया? सर ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हम आपको नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए हुए सारी विधियां करने की? ऐसे कैसे कर दिया? मत बोलो, डॉक्टर अरविंद सरकारी डॉक्टर थे, समझे? कुछ भी हो इसकी मौत की जांच होनी चाहिए। सर इसकी FIR फाइल कर दीजिए। सर ये कौन है? ये डॉक्टर अरविंद के गार्जियन है, इन्होंने ही कंप्लेंट करी है। सर ये सब डॉक्टर के साथ कैसे हो गया हमको उसके बारे में नहीं पता। हम लोग तो खुद आपके पास आने वाले थे, ये सब कुछ अचानक से हो गया। आपको शक नहीं हुआ? ऐसे कैसे अचानक से मौत हो गई? सर आपसे 2 मिनट बात करनी है मुझको। सिलसिले में सभी से पूछताछ करूंगा, ठीक है ना? किसी को कुछ भी पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। चलिए। ये बताओ अरविंद से पहले कस्तूरी की जिंदगी में कोई और भी था क्या? कुछ जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो डॉक्टर के साथ शादी क्यों करवाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो गांव में सबका इलाज करने आया था और उसकी यहाँ शादी भी हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पहले कस्तूरी और माधव का रिश्ता पक्का हुआ था लेकिन बाद में शादी डॉक्टर से हो गई। के बारे में तो सोचो, मेरी तो जिंदगी खत्म। किसी के जाने से क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? हमारे बारे में तो सोचो। मैंने पहली बार किसी से इतना प्यार किया था। मैं सब समझता हूँ लेकिन रोने से क्या वो वापस आ जाएगा? मुझे वो पुरानी वाली कस्तूरी चाहिए, ऐसी रोती हुई नहीं। याद रखो वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम ऐसे दुखी रहोगी तो उसको भी दुख होगा।
तुम अपने साथ ऐसा मत करो कस्तूरी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है कस्तूरी, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ। आप ही कह रहे हो, मुझे उसके लिए जीना ही होगा भैया। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कमला। हाँ माधव। जरा इधर आना। आती हूँ माधव। हाँ माधव बुला रहा है, मिलके आती। हाँ जाके आओ। हाँ बहन मैं आती हूँ। हाँ। ये बताओ काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है माधव। कस्तूरी ठीक है ना? उसका तो बड़ा बुरा हाल है, क्या बताऊँ माधव, पता नहीं आगे क्या होगा। महालक्ष्मी की कृपा है कस्तूरी पे, उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। मुझको पूरा भरोसा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना उसकी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आएंगी। इस बात का मुझको पूरी तरीके से भरोसा है। आप सही कह रहे हो, कस्तूरी के साथ सब ठीक होगा। ए मुन्ना, होटल में चिकन पहुंचाना था, पहुंचा दिया क्या? नहीं आज देने जाऊंगा मैं। अच्छा ए बबलू, वो बाजार से कुछ सामान मंगा रहा था, कब जाओगे? मैं कल जाऊंगा। याद से बोलना मत। हाँ नमस्ते सर। अरे नमस्कार सर। गांव में सुना है तुझे गुस्सा बहुत आता है। बात करो सर, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। कस्तूरी को तुमने धमकी दी थी ना, उसके बारे में तुम क्या बोलोगी? उसे परेशान करते थे, आए दिन उसका पीछा करना, धमकियां देना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर कस्तूरी ठीक से बात नहीं करती थी, पूरा गांव जानता है। मैं तो गांव के बीच में अपनी बात रख रहा था, लेकिन कस्तूरी और उसका भाई मुझे कुछ न कुछ सुना ही देते थे, और अगर मैं कस्तूरी को कुछ भी बोल दूं तो माधव लड़ने आ जाता था। मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यही सच है सर। ठीक है बाला, पूछताछ के लिए मैं फिर आऊंगा, गाँव से बाहर मत जाना, समझे? आओ बेटा। कैसी हो दादी? अंदर तो आओ बेटा, इतने दिन बाद तुम घर आए हो। एक मिनट रुक, चटाई बिछाती हूँ, बैठो माधव। आप भी बैठिए। मुझे तो कादिर की बहुत चिंता होने लगी है। कादिर को क्या हुआ? घर से बाहर ही नहीं निकलता। कस्तूरी के साथ जो भी कुछ हुआ उसे सुनने के बाद ना कॉलेज जाता है, ना पढ़ाई करता है, ना किसी से मिलता है, बस अकेले ही खुद को उसने कमरे में बंद कर रखा है। क्या करूँ मैं इस लड़के का? आप चिंता मत करें, मैं सब देख लूँगा। कादिर अभी बहुत छोटा है, जरूर इस घटना से उसको धक्का लगा। हाँ बेटा तुम बात करो उससे, इस बुढ़ापे में वही मेरा सहारा है। उसे कुछ हो गया तो मुझे कौन संभालेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? एक बार उससे बात करके तो देखो वो क्या बोलता है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कादिर अंदर ही होगा ना, आप चुप हो जाइए, मैं देखता हूँ। अरे कादिर अकेले क्यों बैठा है, गुमसुम रहते हो, क्या हुआ है बताओ तो? कुछ भी तो नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसे भी कस्तूरी के जीवन में बुरा समय चल रहा है और तुम यहाँ अलग से परेशान हो। कॉलेज जाओ, कस्तूरी से बात करो, पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठे रहने से क्या होगा भाई? कस्तूरी के पास जाओ, उसको सहारा दो। दादाजी दादाजी मुझे आपके साथ खेलना है, मेरे साथ खेलो ना। अच्छा तुझे क्या खेलना है बता। की गोद में बैठ के कपड़े का हैंडल बना के स्कूटर चलाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं, ऐसा नहीं करते। ऐसे मत करो, लग जाएगा, मुझे बचाओ। अरे कोई है क्या, ये लड़की मार देगी मुझे। अरे चलो चलो तो यार, आप तो बड़े हैं, आपको तो समझना चाहिए, आप खुद ही बच्चे बन गए। ये वाला तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम्हें क्या हुआ? बच्ची है, खेल ही तो रही है, इस कपड़े से गाड़ी गाड़ी खेल रही है। अरे दादाजी मैंने तो पहले भी देखा है ऐसे कपड़े के साथ खेलते हुए। ऐसे कैसे, मेरे साथ तो कभी नहीं खेला। उस दिन देखा था माधव काका और डॉक्टर काका
भी शक था, वो तो छुटकी ने बता दिया। अगर ये पूरी बात नहीं बता दी तो सच का पता चलता? ये सब झूठ है, माधव ऐसा नहीं कर सकता। आप तो यही बोलेंगे, अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। जब मैं बोल रहा था तब तो आपको गलत लगा, अब सुना ना? पहले मैं बात करता हूँ तभी मैं इस बात पर यकीन करूँगा, ठीक है? आप करिए पूछताछ। माधव तो पहले से ही शादी के खिलाफ था और सबको धोखा देता था। मैं देखता हूँ कैसे बचता है। बचाना चाहते हो ना? मैं भी देखता हूँ। मेरे रहते हुए अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा, देख लूंगा सबको। बाला, ए बाला, सुनो तो। चलो बड़े ऐसे धूमधाम से शादी करने के लिए, आखिर में क्या हुआ पता चला ना? क्यों? तुम्हें मेरी बहन की शादी से क्या लेना देना? उसकी शादी जहाँ भी होनी थी या जहाँ भी हुई अच्छे से हुई। खबरदार जो इस बारे में अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला। ए, तू जबान सवाल के बात तुम कर। हो कौन? गांव के हर अच्छे काम में अपनी टांग अड़ाने आ जाते हो, आखिरकार तुम्हारी समस्या क्या है? जिसको तू भगवान का दर्जा देता है आज उसी ने तेरा घर उजाड़ा है। अब ये तुझसे किसने कह दिया? इसके पीछे माधव का हाथ है। तेरी हिम्मत कैसे बकवास करने का? तू किस किस का मुंह बंद करवाएगा बे? तेरे गांव का पता चल गया बोला तू बोलता है, माधव के बारे में फालतू बातें करता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसने लिखी बात है। ये अपने आपको क्या समझता है? हर जगह अपनी दादागिरी चलाता रहता है। माधव था सब कुछ ना इससे। क्या बाला, आजकल तुमको बहुत गर्मी चढ़ी है क्या? गांव के बाद मिलना मुझे, सारी गर्मी निकाल दूंगा। ऐसा ना किया तो मेरा नाम बदल देना तुमको। मैं सबको देख लूंगा। चलो सिल्वा चलो, इसको बाद में देखेंगे। तुम्हें क्या हो गया था सिल्वा? ऐसे आदमी के मुंह लगने की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं मानता, मैं भी उसके मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन उसने कस्तूरी का नाम लिया तो मैंने भी उसको। कस्तूरी के बारे में क्या बोला वो? हाँ माधव, एक तो शादी के लिए कोई तैयार नहीं था और फिर शादी के बाद ये सब हो गया। तुम्हें तो पता ही है, शादी के बाद अगर पति ना रहे तो कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। कस्तूरी के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं, किस्मत का ही था। शायद भगवान को मंजूर नहीं था। कर सकते हैं माधव, उसकी किस्मत सिर्फ तुम बदल सकते हो। क्या कहना चाहते हो सिल्वा? हाँ सच है माधव, कस्तूरी के जीवन में फिर से तुम ही रोशनी लेकर आ सकते हो। हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा माधव। ए सिल्वा, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो यार, उठो ना। ए सिल्वा, उठो, उठो सिल्वा, अरे उठो तो, रोना बंद करो सिल्वा, उठो ना यार, उठो, उठो, रोना बंद करो, बंद करो। मेरा तो ठीक है, लेकिन कस्तूरी के मन का क्या? उसको मैं समझा लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। माधव के गुणगान गाए जा रहे हैं और साथ में कस्तूरी से उसकी शादी की बात भी चल रही है। अब तुम क्या करोगे? कस्तूरी किसी की भी नहीं हो सकती, उस पे सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा हक है। अगर किसी ने उसकी जिंदगी में आने की कोशिश की तो मैं उसे पूरी तरह बर्बाद करके रखूंगा। ये सब बातें दिमाग से निकाल दे, तू पहले अपने बारे में सोच, कस्तूरी के बारे में नहीं। मैं उसके लिए पागल हूँ, कस्तूरी सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। उसके साथ किसी और को मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मार डालूंगा। नमस्ते सर, इंस्पेक्टर शेखावत। बोलिए सर, मैं डॉक्टर अरविंद का गार्जियन बात कर रहा हूँ। बोलिए सर, आपकी जांच कहाँ तक पहुँची? हाँ सर, पूछताछ तो अभी भी चल रही है, थोड़ा और समय लगेगा। सर इतने दिन हो गए और कितने दिन लगेंगे आपको? जांच में इतना समय आपको क्यों लग रहा है? जो करना है जल्दी कीजिए, मैं किसी भी हाल में अरविंद के कातिल को छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कमिश्नर से बात करनी पड़े। सर मैं पूछताछ कर रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी इस केस को उसके अंजाम तक पहुँचाऊंगा, किसी भी तरह मुजरिम को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। आप बात मत कीजिए। ध्यान रखिएगा, मुझे फिर से फोन ना करना पड़े।
कस्तूरी दीदी, आपको पता है आपके लिए माधव मामा मन्नत मांगकर जमीन पर खाना खा रहे हैं। बुला रहा है। हाँ, होगा कुछ, हमें क्या करना है? क्या बात है? तुमसे कुछ पूछना था। पूछो ना। अब कस्तूरी कैसी है? बहुत दुखी है, अरविंद के जाने से बस रोती रहती है, बस अकेली रहती है। ऐसे रोते रहने से जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। कस्तूरी को फिर से जीना होगा अभी, और उसके सामने तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तुमने समझाया उसे? ठीक कह रहे हो, मैं भी यही समझाती हूँ उसे, जीना तो पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि माधव के साथ रिश्ता फिर से, और मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है, अगर फिर कुछ गलत हुआ तो। भैया, कस्तूरी के बारे में सोचने के लिए उसका परिवार है, तुम उसकी चिंता मत करो। बढ़िया ही चिंता करने वाले, पता नहीं क्या समझते अपने आप को। कमला, ऐसा मैंने क्या गलत कहा? एक बता, डॉक्टर कैसे इंसान थे जानते हो? नहीं सर, ठीक से नहीं जानते। पर कुछ तो पता होगा, इतने समय गांव में रहे, किसी को पता नहीं? मुझे कुछ नहीं पता सर। गांव में आने के बाद उसका व्यवहार कैसा था? सर, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, किसी के बारे में जानने सुनने का मौका नहीं मिलता। मुझे सच में कुछ नहीं पता है सर। तुमको कुछ पता है? हमें तो इतना ही पता है, डॉक्टर गाँव में सबका इलाज करते थे। और कुछ बताओ? हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते सर। ठीक है, कुछ भी पता चले सबसे पहले मुझे बताना, समझे? गुनेगार भी सीना तान के गांव में घूम रहे हैं। हाँ सही है। बाला, क्या बोला तू? इसमें बोलना क्या है? हाँ सही तो बोल रहा हूँ, सुना नहीं? क्या सही बोल रहा है? ए छोड़ना, हाथ मत लगाना। मुझे क्या लगता है, मैं डरता हूँ तुझसे? पर क्यों डरूँ, पूरा गांव मानता होगा तुझे। सुन ले, मैं वही बोलूंगा जो बिल्कुल सच है। तू क्या मारेगा मुझे? छोड़ो,
क्या चल रहा है यहाँ? तुम दोनों इतना आपस में लड़ क्यों रहे थे ये तो बताओ। इसे पूछिए, इसने झगड़ा शुरू किया। हाँ मैंने शुरू किया और करूंगा भी। क्या बोल रहे हो, इतना भड़कने की क्या जरूरत है, जा यहाँ से। ए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए, मैं बोला ना जाऊँ यहाँ से। चलो 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 चलो। बाला, उस दिन सिल्वा से झगड़ा किया था तो कितना पीटा था, याद है ना तेरे को? शांत हो जाओ माधव, शांत हो जाओ। तुम भी अपने घर जाओ, माधव मेरे साथ आएगा। क्या बात है माधव, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? बाला तो हमेशा गुस्से में ही रहता है, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत? अगर वो मुझको छेड़ेगा तो कब तक चुप रहूंगा? इसमें कौन सी नई बात है? वो आते जाते मुझे कुछ भी सुनाता रहता है, मैं चुपचाप कैसे सुन सकता हूँ? आज तो उसने मुझे अपराधी बोला। क्या बात कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही कुछ सुनने में आया है माधव। क्या सुनने में आया आपको? यहाँ आओ। माधव, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता चला है, ये सच है क्या? पहले बताइए तो सही। शादी की रात में तुम क्या डॉक्टर से मिलने गए थे? गए थे तो क्यों गए? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? हाँ मैं गया था उस दिन डॉक्टर से मिलने के लिए, हम दोनों ने कुछ देर बात की थी और उसके बाद क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ सोच रहा था। ऐसी कौन सी बात है मुंह लटका के बैठे हो, बताओ तो सही मुझे। कादिर के बारे में। कादिर, क्या हुआ उसका? वो क्या है कि मैं उसे काफी दिनों से देख रहा हूँ, कस्तूरी के प्रति उसकी नजर ठीक नहीं है, और तो और कस्तूरी की ओर से भी मुझे उन दोनों का व्यवहार ठीक नहीं लगता। अगर उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो मैं फिर डॉक्टर। कस्तूरी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और ये सारी बातें शादी के बाद बोल रहे हो तुम? इतनी ही दिक्कत थी तो शादी क्यों की तुमने? उसका नाम कादिर के साथ जोड़ रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुना दो। इतना बोल करके मैं वहाँ से निकल गया था। इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, हम भी उससे बात कर सकते थे। कादिर इस गाँव का बच्चा है, उसके बारे में? छी छी। मुझे तो लगता है डॉक्टर गलत फहमी में था, आखिर ऐसा कोई सोच सकता है भला क्या? तो और क्या, ऐसी बात कौन करता है? तो डॉक्टर को किसने मारा होगा? लक्ष्मी बहन, कहाँ हो लक्ष्मी? अंदर आओ, आओ बैठो। तुम ठीक तो हो? बस क्या बताऊं, पानी लेके आऊं क्या? नहीं, आओ बैठो। उस घटना को बीते बहुत समय हो चुका है, जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते ना, बस अब आगे के बारे में सोचना है। कुछ चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैं बस परेशान ही रहती हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ज्यादा परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है लक्ष्मी। कैसे ठीक होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऐसे रोने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, हमें ही मिलकर बच्चों के बारे में सोचना होगा, मुझ पे भरोसा रखो। एक बार मैं कस्तूरी से बात करती हूँ, शायद मेरी बात मान के वो हाँ कह दे। धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है माधव। लेकिन बात तो करनी पड़ी, बात नहीं करोगी तुम तो किसी समस्या का हल कैसे निकलेगा? मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है माधव, जो कुछ भी हुआ है मैं टूट चुकी हूँ, नई जिंदगी जीना मुश्किल है माधव। एक समय था जब मेरे पास जीने की एक वजह थी, लेकिन अरविंद के जाने के बाद मुझे अपने आप से भरोसा ही उठ गया है। सब कुछ खत्म हो चुका है माधव, मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं इसे जोड़ नहीं पाऊंगी। सच है माधव, सब कहते थे शादी करने से जीवन में खुशियाँ आती है, शांति मिलती है, पर मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया ना माधव। कस्तूरी, एक नई जिंदगी पड़ी है, आखिर तुम कब तक रोती रहोगी?
करोगे ऐसे? मैं समझ सकता हूँ क्या गुजर रही है तुम्हारे ऊपर। किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है कस्तूरी, हम सबको जीना पड़ता है। तुम्हें अपने अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, उसको भूलने की कोशिश करो, नई शुरुआत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कोशिश तो करो कर। माधव, मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं किसी के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ पाऊंगी माधव। मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है वो ठीक है। सबको संभालते संभालते मेरे तो सर के बाल झड़ने लगे, जैसे कि पहले बहुत थे। मुझे कम मत समझना, मेरे अंदर अभी भी बहुत दम है। अगर हिम्मत है तो आजमा के देख ले। ऐसा क्या, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मेरे साथ बकवास मत करो। अरे रे, मैंने ठान लिया ना, कोई भी हो, पुलिस हो या कोई अधिकारी, मैं किसी से डरता नहीं। लो, अच्छे भाई अटल प्राण गए निकल, बड़े आए दम दिखाने वाले। पूरे गांव में इनकी तो कुछ चलती है नहीं, पंचायत में तुम्हारा मुंह खुलता नहीं है, और यहाँ पर बक बक करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये होशियारी किसी और को जाके दिखाओ। ए, तुम किसको कह रही हो? पूरे गांव में सबकी नजर में मेरी बहुत इज्जत है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओ, आज तुम ज्यादा ही बोल रहे हो, बात की पिटाई भूल गए हो क्या? मेरे आगे ही फूट गए हैं जो ऐसे आदमी से पाला पड़ा, बस फालतू में बकवास करना। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था? आपको इतना समय क्यों लग रहा है? आपकी पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है, डॉक्टर के मरण का केस अभी तो और भी समय लग सकता है। ऐसा क्यों? हाँ, जल्द से बहुत सारी बातें सामने आएंगी जिससे किसी और पूछताछ कर लेते हैं, कुछ चौकी नहीं जो सामने आएंगे, जैसे कि सुरेखा, सुरेखा। अरे तुम कैसी हो आशा? यहीं बैठते हैं साथ में, अपना काम भी कर लो। मैं तो बस खाना ही बना रही थी। कस्तूरी की शादी की बात चल रही है, पूरे गांव में कानाफूसी हो रही है, ऐसी अभागन के साथ कौन शादी करेगा? अब क्या बताऊँ तुझे, मैं भी परेशान हूँ ये सोच के। डॉक्टर के साथ शादी करते ही वो चल बसा, बहुत बुरा उसके साथ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। यही तो मैं कह रही थी, पहले तो हो नहीं रही थी और शादी के बाद ऐसा हो गया, उसके तो भाग ही फूट गए, अब उससे शादी कौन करेगा? और तो और उसका नाम कादिर के साथ भी जोड़ा जा रहा है। बेटा तेरे लिए खाना लगा दूं? अभी नहीं माँ, थोड़ी देर बाद में। कैसे हो, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये सब क्या चल रहा है, उसे और कितने दुख झेलने पड़ेंगे, पहले शादी उसके बाद अब कादिर। अब कल की ही बात थी जब डॉक्टर हमारे गाँव आया था, दोनों में प्यार हुआ, धूमधाम से शादी हुई और अचानक से सब कुछ बदल गया, और अब तो डॉक्टर के मरने का दोष भी सब कस्तूरी को दे रहे हैं। अब बेचारी उसका क्या कसूर, कस्तूरी को थोड़े ही पता था कि ये सब उसके साथ हो जाएगा, सोच सोच के बड़ा दुख होता है। भगवान उसकी रक्षा करे। भैया आओ, कुछ काम था क्या? हाँ कुछ बात करनी थी तुमसे। वो क्या है ना कादिर, बहुत दिनों से मैं कस्तूरी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार, इसीलिए तुमको बुलाया मैं। और ये कस्तूरी है ना, बात सुनने को तैयार नहीं, हम लोगों की शादी की बात चल रही है। मैंने बहुत मनाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुझसे नहीं तो उसके साथ शादी कौन करेगा बताओ? सिल्वा तो मेरे पैरों पे गिर के रोने ही लगा था, वो बोल रहा था कस्तूरी की जिंदगी का तुम ही कल्याण कर सकते हो, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए, ठीक है ना? तो बताओ वो इतनी सी बात समझने को तैयार क्यों नहीं हो रही, तुम ही समझाओ ना उसको। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ, कस्तूरी को समझाना है, चिंता मत करो, उसे तो मैं समझा दूंगा, ठीक है ना? फिर तो वो मान ही जाएगी, चलता हूँ। ठीक है भैया।
घर के काम कर रही हूँ। काफी नहीं है? वो किसी से मिलने गई है। चलो छोड़ो ये सब। ये चलो, छोड़ मुझे। चलो छोड़ो भी ये सब। चलो मुझे काम करने देना। अच्छा नहीं लगा, मुझे तो यकीन नहीं हुआ तेरे बारे में ऐसा कैसा सोच सकता है। बताने में भी अजीब लग रहा है, उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है मस्तूरी। तुम्हारे बाल, तुम्हारे होंठ, तुम्हारे सुंदरता के बारे में न जाने क्या क्या बोल रहा था वो। मुझे तो सुन के ही गुस्सा आ रहा था। कस्तूरी ऐसी है, कस्तूरी वैसी है, खूबसूरत है, ये सब सुन के तो वो मेरी नजर से ही उतर गया। कुछ भी करने से पहले सोच लेना कस्तूरी। अच्छा ठीक है जाओ।
मेडिकल में हमको ये सिखाया जाता है कि सुई को लगाने से पहले उसकी हवा निकाल लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो हवा अंदर रह गई है उसके चलते मरीज का हार्ट फेल हो सकता है और उसकी मौत हो सकती है, इसीलिए ऐसा करते हैं हम। बाप रे, कितना खतरनाक है ये सब। बड़ी दवाई देते थे ना, इंजेक्शन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे मौत का कारण वैक्यूम ही होगा। देखा डॉक्टर, तुम्हें तुम्हारी ही सुई से मार दिया था ना। ए काबिर, पागल है क्या? मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। माधव कादिर को मार रहा है, जल्दी चलो। क्या समझता है? छे, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो अभी बहुत छोटा है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ। ये ऐसा लड़का नहीं है। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। ऐसी है। तुम्हारे वोट, उसकी नियत
कुछ ठीक नहीं है। संभालने वाला कोई नहीं था तब कस्तूरी ने ही तुझको संभाला था। तुमको ये सब करने से पहले एक बार उसके बारे में सोच लेना चाहिए था। तूने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चला जा यहाँ से, चला जा, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। क्यों किया तूने?